अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई आज एक डिवाइस के साथ मैं रिव्यू लेके आया हूँ, वो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि आपको बता सकते हैं। मुझे ये रेडमी का A2+ फ़ोन है और ये आप देखें तो काफ़ी एक बजट फ़ोन है इसको, क्योंकि इसकी जो प्राइस है और जो जो इसमें फीचर्स आते हैं वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू रेडमी के अदर फ़ोन। तो अच्छा, वैसे ये फ़ोन अभी नया नहीं है, मतलब इसको आए हुए मार्केट में मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 महीने हो चुके हैं, बट मुझे आज मौका मिला तो मैंने कहा इसका भी एक रिव्यू बना लें और इसमें आपको बता दें कि क्या क्या हमें स्पेक्स मिल जाती हैं और क्या क्या इसके ऑप्शन मिलते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये आपके सामने है, इसमें कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 2 से 3 कलर में ये अवेलेबल है, मेरे ख्याल से ग्रीन, ब्लू और एक ब्लैक भी आता है इसका कलर। तो 3 कलर में ये फ़ोन अवेलेबल है। उसके अलावा ये आप साइड में कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इस तरफ PTA का आप देख सकते हैं तस्दीक शुदा, यानी PTA अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है डिवाइस का। तो ये मेक श्योर कीजिएगा जहाँ से भी लें कि भाई PTA अप्रूव फ़ोन होना चाहिए। वैसे बॉक्स पैक में कोई इशू आता नहीं है इस तरह का PTA का खुद का। अच्छा, यहाँ कुछ इनकी हाईलाइट्स लिखी हुई हैं भाई, इनमें क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, सबसे पहले पावरफुल MediaTek Helio G36 का प्रोसेसर है। अच्छा, ये इस प्रोसेसर के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, बट जो मैंने देखा है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ सुनी है। ये एक अच्छा प्रोसेसर है इस फ़ोन, इस बजट के फ़ोन में, तो ये इसकी एक अच्छी खासियत है इस फ़ोन की। उसके अलावा अगर आप देखें, रिस्पॉन्सिव रियर फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मौजूद है। उसके अलावा कैमरे की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का इसका अच्छा कैमरा मिल जाता है, ड्यूल कैमरा। तो ये है कि ये भी एक अच्छा कैमरा है इस प्राइस में, प्राइस अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, तो एक अच्छा मतलब लंबा चलने वाला फ़ोन हो सकता है। 5000 बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। चाहिए देखें, उसके अलावा ये आपको लाइट ब्लू कलर का ये फ़ोन है मेरे पास, और 3GB इसकी रैम मिल जाती है 64GB रोम में। तो 3GB 64GB के हिसाब से ये मतलब जो ज़्यादा जिनका यूज़ नहीं होता है इसको, मैं गेमिंग या उसके हिसाब से तो नहीं कहूँगा, बट अगर आपको नॉर्मल कुछ सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है उसके अलावा कॉलिंग के लिए चाहिए, तो ये एक अच्छा फ़ोन हो सकता है इस बजट में, यानी जो कि under 20,000 आता है इस बजट में। उसके अलावा इसको खोल लेते हैं। अच्छा, पहले से मैं इसकी देखा जाए तो वो कर चुका हूँ अनबॉक्सिंग, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको डिटेल दे दूँ। लेकिन भाई, सबसे पहले ये बॉक्स खुलते ही आपको मिलता है फ़ोन। तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा साइज़ में कॉम्पैक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, कुछ थोड़ा सा साइज़ मुझे फील हो रहा है कि भाई बड़ा है, और वैसे भी आपको इस तरह के फ़ोन्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही मिलता है, वो बिल्कुल इतना फ़ोन नहीं होता कि आपके हाथ में ईजी आ जाए। तो ये एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का फ़ोन है। उसके अलावा इसकी चीज़ें देख सकते हैं आप, पीछे ड्यूल कैमरा नज़र आ रहा है, फ्लैश का ये फ्लैश है। इसके अलावा यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। उसके अलावा फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन ऑन है वो फिर हम बाद में चेक करते हैं, उसके अलावा चेक करते हैं हमें बॉक्स में और लेकर मिल रहा है। इसका चार्जर है, अच्छा हैंड फ्री तो नहीं आती है। तो ये देखें भाई, ये चार्जर आ जाता है इसका, चार्जर सही चार्जर है, और ये मेरे ख्याल से कितना है 10 वाट्स का ये चार्जर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको चार्जर मिल जाता है। केबल देख लेते हैं, केबल इसके साथ कौन सी है। केबल इसके साथ, अच्छा टाइप सी नहीं है इसके साथ, नॉर्मल ये जो क्या कहते हैं ये वाली केबल है जो पुराने फ़ोन में आती थी। तो खैर, इनको टाइप सी मेरे ख्याल से देनी चाहिए थी, बट अगेन वही वाली बात आ जाती है जिस प्राइस में ये फ़ोन है उसमें, इसमें ये लोग टाइप सी नहीं दे रहे, तो ये आपको ध्यान में रखें कि भाई इसमें ये आपको पुरानी ही एंड्रॉयड वाली केबल मिलती है। और ये इसका चार्जर आ गया, इसको कर देते हैं। उसके अलावा बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है, और मेरे ख्याल से बॉक्स में कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा बस। इसका स्क्रीन पर जो होता है लगा हुआ ये है। उसके अलावा एक आपको मैनुअल मिल जाता है, उसके अलावा कुछ पेपर्स हैं वो भी इसके बारे में, तो बस ये चीज़ें मिलती हैं भाई आपको बॉक्स में। चार्जर मिलता है और केबल मिलती है, और हैंड फ्री यहाँ देखने को नहीं मिल रही इसमें। तो चलिए थोड़ा सा फ़ोन की बॉडी वाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भाई फ़ोन आ गया हमारे सामने, और इसका मैं आपको एक मिनट, इसको खोल दिया हमने, ये देखिए फ़ोन आ गया हमारे सामने। अच्छा, इसकी अगर कैमरे की बात करें ना, कैमरा रिजल्ट नो डाउट काफ़ी ज़्यादा सुना है कि 5 MP है, बट अगेन अच्छा है इस बजट के फ़ोन में। और उसके अलावा, क्योंकि इसका मुझे ग्राफिक बहुत अच्छा लगा, अगर इसको आप पसंद आ रहा हो इस बजट के फ़ोन में, जो इसका ग्राफिक्स है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लियर, और इसके कलर बहुत अच्छे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके अलावा इसमें एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसमें आपको एंड्रॉयड 13 मिल रहा है इस बजट के फ़ोन में, जो कि एक कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है under 20,000 फ़ोन में आपको रीसेंट एंड्रॉयड मिल जाना तो एक अच्छा ही साइन है। ये देख सकते हैं हम लोग कुछ आगे, टू सेम अच्छा इसका फ़ोन है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। देख सकते हैं आप एंड्रॉयड 13 इसमें गो एडिशन मिल जाता है, तो के जो कि ज़्यादा अभी तक का लेटेस्ट अपडेटेड एंड्रॉयड सिस्टम मिल जाता है। फ़ोन की स्पीड वही वाली बात आ जाती है, 3GB रैम के हिसाब से
कुछ ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है, नॉर्मल जैसी होनी चाहिए थी 3 GB फ़ोन की, सॉरी, तो उसी तरह की है। 64 GB में आपको स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरे के क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं हमें इसमें। तो कैमरे के ऑप्शन पर ये देख सकते हैं आप, ये इसका बैक कैमरा है। और इसके अलावा अच्छा यहाँ ऑप्शन देखें, वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है आपको, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मोड में जाके भी चेक कर लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। शॉर्ट वीडियो मिल रही है, टाइम लैप्स बना सकते हैं आप, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सही है। उसके अलावा क्या सेटिंग्स हैं इसकी, वीडियोज़ की देख लेते हैं कितने उसमें ये रिकॉर्ड करता है वीडियोज़। तो वीडियो में आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर मेंशन है 720 pixels 30 fps और 1080 pixels भी, यानी आपका वीडियो बना सकते हैं जो कि सबसे हायर वर्जन इसकी क्वालिटी होगी 1080 pixels 30 fps के साथ। तो उस हिसाब से वीडियो के लिए भी बहुत मैं कहूँगा कि एक नॉर्मल फ़ोन है, एक तरह से अच्छा फ़ोन है। अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो ये अच्छा बजट फ़ोन है, इस रेंज में आपको इसी तरह के कैमरे मिल जाते हैं। अच्छा, फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी इसका अच्छा ही है पिक्चर्स के हिसाब से। तो फ्रंट कैमरा भी इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से खैर रिजल्ट का आइडिया नहीं होता, बट इसका फ्रंट कैमरा भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुनासिब मिल जाता है। तो कैमरा वाइज फ़ोन अच्छा है। अब बात करते हैं भाई इसकी प्राइस। अच्छा, प्राइस इसकी जो जब ये लॉन्च हुआ था फ़ोन, तो ये स्टार्टिंग प्राइस इसकी जो आ रही थी उस टाइम पे 24,500 थी, बट अगेन थोड़े से यहाँ आपको बताया अप एंड डाउन आए प्राइजेज में। और क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा डॉलर जज़ायर है, रेट कम हुए हैं बीच में, डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो अब इसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड आपको मिल जाती है 19,500, तो 19,500 रुपये में मैं इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अच्छा फ़ोन है अगर आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो कम यूज़ करना चाहते हैं या सेकेंडरी फ़ोन लेना चाहते हैं। आजकल आपको पता है अच्छा फ़ोन अगर आपके पास है तो आपको कुछ ना कुछ एक नॉर्मल फ़ोन होता है जहाँ बिल्कुल यूज़ कर रहे होते हैं कभी नीचे उतरते हुए या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगता है कि यार अच्छा फ़ोन कैरी करना सेफ नहीं है, तो आप इस तरह के फ़ोन के साथ बहुत ईजिली रिलैक्स कर सकते हैं इस पर, क्योंकि बॉडी वाइज भी अच्छा फ़ोन है आपकी। अच्छा प्लास्टिक बॉडी है इसकी, पीछे देखें शाइन प्लास्टिक नहीं है, तो इस चीज़ में ये अच्छा है कि आपको आपका स्क्रैच नहीं आएगा, तो ये मैं मुझे अच्छी चीज़ लगी। तो उस हिसाब से बॉडी वाइज फ़ोन अच्छा है, स्लिम भी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हैवी। अच्छा स्पीकर एक और चीज़ इसके ऊपर है, नीचे नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि स्पीकर इसके ऊपर मिल जाते हैं, नीचे नहीं है। नीचे आप देखें तो ये चार्जिंग पोर्ट है, इस तरफ एंट्री जैक है, और ये आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ आपको सिम इजेक्शन जगह मिल जाती है, सिम लगाने की, दो सिम लगा सकते हैं इसमें आप इजीली, और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस तरफ आप वॉल्यूम बटन है और एक स्टैंड बाय फोन बटन है। तो ये इस हिसाब से इस प्राइस रेंज में 20,000 समझे अंडर 20,000 में आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाता है, और मैं रिकमेंड करूँगा जितना मैंने भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा, बट अगेन जो मुझे इसका फर्स्ट इंप्रेशन लगा है वो एक अच्छा इस बजट में फ़ोन है। तो अगर आप इस बजट में कोई फ़ोन देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको Redmi A2 एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। बस आज की वीडियो में एंड करते हैं, बताइएगा आपको कैसा लगे आज का वीडियो जिसमें हमने आज बात की इस फ़ोन की। और अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें बुरी लगी, तो अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप ये फ़ोन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।